अरवल जिले के करपी प्रखंड के रोहाई पंचायत में स्थित राम केवल सिंह इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की काफी अभाव झलकती है। जो इंटर के विद्यार्थी हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि छात्र तो किसी तरह से शहरों में जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं, मगर छात्राओं की पढ़ाई यहाँ पूरी तरह से छूट रही है। 10+2 के मास्टर बहाल नहीं है, दो ही टीचर हैं, जो लड़कन का पूरी तरह से सभी विषय को पढ़ाई नहीं हो पा रहा। हम लोग नज़दीकी शहर में, जैसे मैं अरवल, जहानाबाद, पटना, इसी शहर में रहकर अपना कोर्स को तैयारी करते हैं। इसमें हम लोग का खर्च होता है टीचर के छोका के अलग में, हमने के पहले रूम भाड़ा प्लस में खाना पीना लेकर 3000 रुपया हम लोग को मंथली पड़ता है। हमारे नज़दीकी ही स्कूल में अगर टीचर बहाल रहते तो सभी पैसा बच जाता, इसी पैसा से हम लोग और डिग्री भी आगे तक भी पढ़ाई कर सकते। हमारे यहाँ चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री नहीं होने के कारण बच्चे पर यदि एक शिक्षक इधर खड़े होते हैं दूसरे बाउंड्री के पास, तो तीसरे बाउंड्री से बच्चे भाग जाते हैं, कुछ हरकत कर कर वो भाग जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो शिक्षक जो होते हैं वो बोर फील महसूस करते हैं यहाँ कि हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं। हम बच्चे को छानबीन करते हैं या रोकथाम भी करते हैं, उस स्थिति में भी बच्चे इधर उधर से तड़प के भाग जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंगें खराब हैं, बरसात में पानी टपकता है, लैब रूम छोटा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल कराने में शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय एक ही है, छात्रा और शिक्षक शिक्षिका को भी इसी एक शौचालय में जाना पड़ता है। सर, आपके पंचायत में रोहाई जो स्कूल है उसकी स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं का कमी है, इसके लिए क्या प्रयास आपने किया है सर पहले? हमने करीब करीब एक साल पहले से ही प्रयासरत हैं, जब से मुखिया बने हैं उसके तुरंत बाद उस पर ध्यान मेरा गया था। जहाँ चार दीवारें गिरा हुआ है, शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो इसके संबंध में मैं लिखित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय को सूचना दिया था और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि वहाँ जल्द से जल्द जो चारदीवारी गिरा हुआ है और शैक्षणिक व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी मदद कर सकते हैं, इसके लिए अरवल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साहब के मोबाइल नंबर 94312-78852 पे कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि यहाँ पर इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए। मैं SM ज़फ़र, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।